गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम यू अगेन दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ क्लास इन प्रीवियस पार्ट वी स्टडी अबाउट द पार्टी कंपैरिजन बिटवीन द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक राइन ऑफ मोहम्मद तुगलक ओके इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइफ इन द सल्तनत पीरियड जो सल्तनत पीरियड था डिफरेंट डायनेस्टी थे उनके शासन के दौरान लोगों का जीवन कैसा था ठीक है लाइफ कैसा था ओके okay, यहाँ पे हम देखेंगे द सुल्तनत ऑटोक्रेट एंड रूल किंगडम आयरन फिस्ट ठीक है जो वो तरह ऑटोक्रेसी थे, थे पूरी तरह निरंकुश थे एंड दे रूल्ड एज द आयरन फिस्ट पूरे लोहे रख लोहे लोह रखते की नीति पर काम किया करते थे शासन करते थे ठीक दे लिव्ड इन अ ग्रेट स्प्लेंडर एंड दे वर्ड एज ए लॉ ठीक है वो पूरी तरह बहुत स्प्लेंडर ठीक है लाइफ काफ़ी व्यतीत करते थे काफ़ी शानदार लाइफ अपनी तो स्पेंड किया करते थे एंड देयर वर्ड वाज अ लॉ और उनके शब्द पूरी तरह कानून हुआ करते जो बोल दिया वो होना चाहिए था एक तरह से कानून था द सुल्तान हैड मेनी ऑफिसर एंड असिस्ट हिम एंड सुल्तान हैड मेनी ऑफिसर काफी ऑफिसर हुआ करते थे टू असिस्ट हिम ठीक है एंड द हाईस्ट वाज अ वजीर वो जो हाईएस्ट था वो वजीर जैसे आज प्राइम मिनिस्टर है हमारा सी एम है इस तरह उस समय जो हुआ था, था वो हाइएस्ट था वजीर ही ऑल्सो अपॉइंटेड ऑफिसर हु लुग अपटर फाइनेंस ठीक है वो कुछ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता था जो फाइनेंस का मैटर देखा करते थे द नोबल लीड टू लाइफ ऑफ लग्जरी एंड नोबल ऑल्सो एक्सपेन द लाइफ एज ए लग्जरी ओके एम्पायर वॉज डिवाइड इन टू प्रोविसेस एंड शेक्स एंडनास दुल सुल्तान गेव पीस ऑफ लैंड टू मिलिट्री लीडर एंड इक्तादार, ठीक है सुल्तान लैंड दिया करता था जो मिलिट्री लीडर होता था जो इसको इक्तादार कहा जाता था द इकता रिवेन्यू जो पैसा कलेक्ट करता था इस लैंड से एंड अजीर अरीज और जो हेड होता था वो अरीज कहलाता था अपॉइंटेड सोल्जर एंड मेंटेन रिकॉर्ड ही काजी वॉज द जस्सी एंड काजी वाज अ जस्टिस

and more land were brought under cultivation crops were patronized skilled were made objects using metal stone pearl ivory and sandalwood silk woolen and cotton textile were made industrial comes up in the rural urban area fair were organized merchants were wealthy and lived मर्चेंट काफी वेल्थ पैसा वाला हुआ करते थे और काफी लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे मर्चेंट की एंड देयर एग्जिस्ट इंपोर्टेंस कमर्शियल सिटीज लाइक दिल्ली कन्नौज मुल्तान एंड सूरत ठीक है उनका जो प्रोमिनेंट सेंटर हुआ था कमर्शियल वो दिल्ली कन्नौज एंड मुल्तान एंड सूरत हुआ करते थे अब देखिए रिवल्स पहले भी बता चुके जो भी रिवल्स पढ़िए उसमें इंपोर्टेंस क्वेश्चन बन सकते हैं आपके अः पोस्टल सिस्टम ऑल्सो एग्जिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम ओके पोस्टल सिस्टम भी एग्जिस्ट था उस समय द पोस्ट वो कैरीड ऑन हॉर्स एंड फूड जो पोस्टल है वो घोड़े पर या पैदल ही भेजा करते थे जो भी मैसेज करना होता था उन्हें दिस सिस्टम वाज ऑल्सो यूज ट्रांसपोर्ट चूज फॉर सुल्तनत एज अ खुशराम उसके बाद नेक्स्ट आता बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वाज कैरीड आउट दोनों तरह के व्यापार होते थे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों तरह के होते थे देर वर पेव्ड रोड रेस्ट हाउस एंड शॉप्स फॉर ट्रेवलर्स ठीक है तो उस समय रोड के साइड में रेस्ट हाउस भी हुआ करते थे शॉप्स हुआ करते थे ट्रेवलर्स के लिए ट्रेड वाज कैरीड ऑन समात्रा मलाया चाइना अफ्रीका मेन इंपोर्ट अरेबियन हॉर्स गोल्ड एंड सिल्वर वेयर ठीक है इंपोर्ट जो इंपोर्ट करते थे देश में वो अरेबियन हॉर्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर वेयर एज द आइटम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते थे वह स्पाइस सेंडलुड एंड इंडिको ये हुआ करता था अब नेक्स्ट आता आर्ट एंड आर्किटेक्चर ओके आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो आ रहे हैं जो okay. भारत में आए थे आर्किटेक्चर के स्टाइल के वो थे इंडिया में आए थे वो थे बोल्ड बहुत सारे मोस्टम बनाए गए थे किले और मस्जिदें बनाई गई थी न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल जियोमेट्रिक डिजाइन एंड कैलीग्राफी कम टू बी यूज नई स्टाइल जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड कैलेग्राफी कम टू बी यूज इन दिस पीरियड एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस दूस ऑफ इनमल टाइल इनमल टाइल भी यूज की गई थी अब आता है ये देखिए अलाई दरवाजा का फोटो जो यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग वर्क कुतुब मीनार अलाई दरवाजा एंड सीरी फोर्ट अमॉन्ग अदर्स अब देखिए यहाँ पे मैनी अरेबिक मैनी अरेबिक एंड पर्शियन वर्क वर रिटर्न आमिर हिस्टोरिकल रोमांस देखिए अमिर खुसरो ने बहुत सारे बुक्स लिखी है जिसमें पोइट्री एंड हिस्टोरिकल रोमांस में रिटर्न अनदर इम्पोर्टेंट पर्शियन ऑथर वाज जयाबुद्दीन बरूनी मैनी संस्कृत वर्ड वर ट्रांसलेट इन टू पर्शियन

को लूट लिया था द वार्स एंड फेलर ऑफ पॉलिसी कॉस्ट ऑफ सुल्तानत डेली जो वार्स के लगातार उनके जो पॉलिसी फेल हो रही थी जिसके कारण सुल्तानत पीरियड पूरी तरह डिक्लाइन हुआ था एंड देर वॉज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर द थ्रोन लगातार वहाँ थ्रोन के लिए लगातार स्ट्रगल हो रहा था ये भी एक रीजन रहा था यहाँ पे और लास्ट दी साइज ऑफ एम्पर वास टू बिग एंड देर वर मेनी रिवोल्ट और साइज जो की बहुत बड़ी थी जिसके कारण वहाँ लगातार रिवोल्ट होते जा रहे थे यही प्रोमिनेंट रीजन ओके थैंक यू थैंक यू इन क्वेश्चन आंसर वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट ओके थैंक यू